नमस्ते, यादव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं गाजर और मूली का अचार। गाजर और मूली के अचार के लिए ये हमने मूली ली है, जिसको मैंने कट कर लिया है। मैं गाजर और ये मैंने गाजर ली है, इन दोनों को मिक्स करके हम गाजर मूली का अचार बनाएंगे। उसके लिए मैं आपको छील के दिखा देती हूँ कैसे कट करनी है। पहले हम इनको छील लेंगे अच्छे से। मूली निकाल देती हूँ मैं। ये गाजर को अच्छे तरीके से छील लेना है। फिर इसको दोनों साइड से कट करके कट कर लेते हैं हम इसके। आपने जितनी गाजर मूली का अचार डालना है आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं, और आप अपने हिसाब से ही मूली ज़्यादा रखनी है या गाजर ज़्यादा रखनी है। जो आप ज़्यादा खाना चाहते हैं उसको आप ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो इक्वल भी ले सकते हो, आपका मन करे वैसे। अब हम इनको, जो हमने गाजर मूली इनको हम धो लेंगे पहले, फिर हम इनको कट करेंगे। तो पहले मैं धो लेती हूँ इनको। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमने गाजर को धो लिया है। अब जैसे हम गाजर काट रहे हैं वैसे ही हमें मूली काट लेनी है। मूली मैंने पहले काट ली थी, ये देखिए ऐसे। अगर बीच का डंठल आपका पका हुआ है तो उसको पूरे को निकाल दीजिए। अगर सॉफ्ट है तो आप रख सकते हो, अगर पका हुआ है तो उसे निकाल दीजिए। और ऐसे करके जितने बड़े साइज, जितने मोटे साइज आपको रखना है वो आप रख सकते हो। ऐसे करके इतना मोटा पतला जैसे भी आपको साइज रखना गाजर का, उसके हिसाब से आप रख लीजिए और ऐसे काट लीजिए। ऐसे ही मैंने मूली को काट लिया है। ये देखिए इसमें जैसे ये व्हाइट पार्ट है, तो इसको अगर ये पका हुआ है डंठल इसका तो इसको निकाल सकते हैं। ये पका हुआ नहीं है जो इस गाजर में निकला है, कच्चा है। ये देखिए कितना सॉफ्टली कट रहा है। तो इसे आपकी इच्छा, आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं काटना तो रहने दीजिए। ऐसे करके हमने ये गाजर काट ली है, ऐसे ही हमने ये मूली काटी थी। ये देखिए ऐसे ही हमने ये मूली काटी हुई है। तो ये हमने गाजर मूली दोनों काट ली है। अब हम इसको, तेज धूप है तो 3-4 घंटे के लिए इसे आप धूप लगा लीजिए, ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो सारा सूख जाएगा, पानी सारा इसका सूख जाएगा। फिर हम इसके इससे अपना अचार बनाएंगे, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो हमारे जो अचार हम बनाएंगे वो खराब होने के चांसेस हैं, इसलिए हमें इन्हें 3-4 घंटे की धूप लगानी होगी। ये देखिए ये हमने इसमें धूप लगा ली है, और ये देखिए कितनी सूख चुकी है। हमने धूप लगा लिया है और ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। ये देखिए अचार डालना शुरू करते हैं। गाजर मूली जितनी आपको खानी है जितने उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। ये हमने अपना गाजर और मूली को, जो बिल्कुल सूख चुकी है, धूप लगा चुके हैं, क्या धूप नहीं आती तो आप पंखे के नीचे भी इसको सुखा सकते हैं, फिर आप डाल सकते हैं इसका अचार। हम इसमें मसाले मिला लेते हैं। मसाले के लिए हमने इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है राई, कि इसी से ही इसमें अचार में खट्टापन आएगा। ये देखिए ये राई, इसके लिए हमें ये बारीक वाली राई लेनी है। और इसको हल्का सा मिक्सी में पीस लीजिए,
इसको हमें पीस के इसका पाउडर चाहिए, क्योंकि इससे ही हमारे अचार में खट्टापन आएगा। तो इसका मैंने पाउडर बना लिया है, ये देखिए दोस्तों, इस राई का पाउडर मैंने बना लिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल बारीक पाउडर है। आप चाहें तो हल्का सा मोटा भी रख सकते हैं, और चाहें तो ऐसा बिल्कुल बारीक भी कर सकते हैं। सॉल्ट डाल लेते हैं, इसके साथ ही रेड चिल्ली, मिर्च अपने अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि ये अचार बच्चे भी पसंद करते हैं, तो ज़्यादा मिर्ची नहीं डालें। और हल्दी, इसमें हमें सिर्फ ये तीन इंग्रेडिएंट चाहिए मिक्स करने के लिए, और राई पाउडर जो मैंने आपको बोला है वो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच। अब हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। जी, अब हम इसको मिक्स कर देते हैं चारों मसालों को। आप इसमें अदरक, हरी मिर्च या फिर कच्ची हल्दी, जो आप चाहें वो इसमें मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, मसाला हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसको पहले हमें गरम करना होगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमने कढ़ाई रख दी है तेल डालने के लिए अचार में, और इसको हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने कच्चा डाल दिया तो तेल तेल मुंह में आएगा जो बहुत गंदा लगेगा, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा बॉईल करना पड़ेगा। उसके लिए मैं ये मस्टर्ड मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, और हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है, इतना डालना हमें ताकि मसाले उस पर लगे रहें। और ये तेल और नमक जो उसमें डाला हमने, उस वो हमारे अचार को खराब होने से ही बचाएगा। अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, फिर हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके बिल्कुल फिर हम इसको अपने अचार में मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसमें धुआं आने लगा है। और अचार में डालने के लिए हमें मस्टर्ड ऑयल ही चाहिए, कोई और ऑयल नहीं चाहिए हमें इसके लिए। ये देखिए, धुआं आने लगा है तेल में। ये देखिए, तेल बॉईल हो चुका है, गैस बंद कर देते हैं। अब इसको हम तेल को ठंडा कर लेते हैं, थोड़ा तेल ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसको अपने अचार में मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने तेल इसमें सारा डाल दिया है, तेल को अच्छे से मिक्स भी कर दिया हमने। ये देखिए, तेल हमने मिक्स कर दिया है सारा अच्छे से, नीचे से मसाला लेकर, ताकि सारा मसाला अच्छे से लग जाए। अब हम इसको जार में रख के धूप में रख देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपने अचार को इसमें जार में डाल देते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ कम लग रहा है तो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं इसी टाइम, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मसाला डला है, कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं है। अपना सारा अचार इसमें डाल देते हैं मेजबान में। ये देखिए, तेल भी हमने उतना डाला है जितना मसाला लिपट जाए, इतना ही हमने तेल डाला है। ये हमने अपना अचार इस जार में डाल दिया है, इसको धूप में रख देते हैं ढक्कन लगाकर अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारा अचार, अभी इसको हम 3 दिन धूप लगाएंगे, दो लेकिन फिर भी ध्यान रखें और इसको हिलाते रहें, ऐसे शेक करते रहें, ताकि सारी, क्योंकि ये अभी जैसे जैसे धूप लगेगी सारा ये सब्जियां नीचे बैठ जाएंगी, थोड़ी थोड़ी कम होती जाएंगी धीरे धीरे, तो ये आराम से शेक हो जाएंगी। इनको ऐसे शेक कर देना है 1-2 बार दिन में। बनाइए, और इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिए।